आ गए हम लोग सेकंड एपिसोड में शोकेस मोड के, जहां पे सेथ रॉलिंस कैश इन करने वाले अपनी मनी इन द बैंक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के चैंपियनशिप मैच में। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस का कैरियर तो भाई आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है और रोमन रेंस का कैरियर भी लेफ्ट लिफ्ट हो ही जाएगा। दैट्स आई नो दैट्स माय टाइम ही बनने वाले थे और ब्रॉक लेसनर हमारा बीस्ट इनकार्नेट से अब काउबॉय बन चुका है। तो उस मैच को याद करते हुए चलते इस मैच की तरफ और देखते भाई हमें क्या बनाता है शोकेस मोड इस बार, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर। तो फिलहाल इस मैच में रैंडी ऑर्टन ने अपनी हिस्ट्री का बेस्ट आरकेओ लगाया और सेथ रॉलिंस को हरा दिया था। सेथ रॉलिंस इस हार से बहुत दुखी हो गए थे। उसके बाद ये चैंपियनशिप मैच जो कि रोमन रेंस ने चैलेंज किया था ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल जीतने के बाद, रेसलमेनिया मेन इवेंट की थी, लेकिन सेथ रॉलिंस ने इसको कैश इन कर दिया था भाई साहब। और उसके बाद से सेथ रॉलिंस क्या ही ऊंचाइयों पे गए थे। तो अब हमको क्या, अरे फिर से हमको ब्रॉक लेसनर बना दिया है भाई, ये क्यों जबरदस्ती करते हैं। तो इस बार हमको फिर से ब्रॉक लेसनर है, तो ब्रॉक लेसनर अब रोमन को देने वाला है स्टैंडिंग नियर अपोनेंट, यानी कि हमको फिर से कॉर्नर ग्रैब लगाना है ब्रॉक लेसनर को, फिर से रोमन के ऊपर एक और कॉर्नर ग्रैब। तो उठाओ रोमन को जल्दी से कॉर्नर ग्रैब के लिए। और अब चालू हो गई कट सीन, तो कट सीन तो आपको दिखा नहीं सकते इसलिए शॉर्ट में समझाते हैं। यहां पे ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्सेस लगाने शुरू किए, उसके बाद एक थंडरस F5 और उस F5 के बाद ब्रॉक लेसनर का दिमाग हो गया पंचर कि अब मैं इसको क्या करूं, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, ये कैसे आ गया मेरे साथ मैच में। और अब ब्रॉक लेसनर के ऊपर कंफ्यूजन का कुछ क्रिएशन चल रहा है, जिसके बाद रोमन रेंस डाउन है। ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से हैवी होना चाहता है रोमन रेंस के ऊपर, हैवी बीस्ट मोड चलाना चाहता है। लेकिन अभी देखो हमको क्या क्वेस्ट आता है सामने। ओके, हमको 8 सुप्लेक्स लगाने, उसके बाद एक सुप्लेक्स सिटी भी देनी है। तो सबसे पहले पहला सुप्लेक्स लगाते हैं आपके साथ, चलो भाई रोमन, सुप्लेक्स सिटी। नहीं, ये तो अभी सुप्लेक्स सिटी नहीं है, सेकंड सुप्लेक्स, और उसके बाद थर्ड सुप्लेक्स की तैयारी, अभी फोर्थ सुप्लेक्स की तैयारी, फटाफट से सुप्लेक्स लगाते हैं, अब टेंशन नहीं लेने का। फिफ्थ सुप्लेक्स की तैयारी एंड दिस इज द सिक्स्थ, अब सेवंथ सुप्लेक्स भाई, और स्टंट हो चुके रोमन ऑलरेडी। एट्थ सुप्लेक्स, तो रोमन रेंस की पूरी बखिया उठाड़ दी हमने। अब रोमन रेंस किसी भी हाल में नहीं है कि हमको चैलेंज कर सके भाई, बीस्ट है भाई वो, इस वक्त वो बीस्ट मोड में था। WWE उसका सपोर्ट करती थी, उसकी पावर को अच्छे से यूज करती थी, शोकेस करती थी, लेकिन अब तो क्या ही बचा दिया भैया, ब्रॉक लेसनर को पूरा टट्टू बना दिया है भाड़े का। फिलहाल सुप्लेक्स सिटी रेडी है हमारी और रोमन रिवर्स भी नहीं कर पाए, तो अब तो खानी पड़ेगी जबरदस्ती। क्या इसके बाद थंडरस F5 भी है रोमन की, रोमन को लगने वाली है क्या थंडरस F5 हमें लगाने को मिलेगा? जी हाँ, नहीं, कॉर्नर पे अटैक करना है फिर से यार, ये कॉर्नर अटैक से मेरा दिमाग खराब हो जाता है, प्लीज यार ये बार बार कॉर्नर अटैक्स नहीं करना मेरे को। चलो भाई ले चलो कॉर्नर में, क्या ही बोले, चल भाई कॉर्नर में पहला अटैक करते हैं, 1 2 एंड दिस वन इज द लास्ट वन, 3 हो गया, बहुत बढ़िया। तो कॉर्नर अटैक्स हो गया इनके ऊपर, अब इसको देना है हमको ग्राउंडेड अटैक। ओके, तो ग्राउंडेड अटैक भी हम दे दिए, अब क्या होगा भाई, अब एक जमीन पे अटैक देना है इसको, उसके बाद इसको सुप्लेक्स सिटी फिर ले जानी है। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अपनी गांठ तोड़ डाली, तो गांठ टूटने के बाद अब नी इंजरी हो सकती थी ब्रॉक को, यहाँ पे नहीं हुई फिलहाल। अब सुप्लेक्स सिटी बाहर, आउटसाइड ऑफ द रिंग, तो ये खतरनाक होने वाली है सुप्लेक्स सिटी, क्योंकि यहाँ डैमेज बहुत अच्छा खासा जाने वाला है रोमन को। रोमन को टॉर्सो भी रेड हो गया, मतलब कमर उमर सब पूरी लाल हो गई मार पीट पीट के। अभी इसके बाद सुप्लेक्स सिटी के बाद F5, चलो भाई अब ज्यादा देर न करते हुए जिनको रिंग के अंदर भेजते हैं और लगाते हैं इनके ऊपर थंडरस F5, जल्दी रिंग के अंदर, अबे नहीं 9 काउंट होने वाला है, जल्दी कर भाई, 9 से पहले अंदर आ गया मैं, बच गया। चलो थंडरस F5 की तैयारी है और ये कटसीन यहाँ पे हो गई शुरू। ब्रॉक लेसनर ने इस F5 के बाद किया था रोमन रेंस के ऊपर कवर, लेकिन ये कवर हुआ नहीं सक्सेसफुल, क्योंकि रोमन इस वक्त बिग डॉग हुआ करता था, उसको किसी की जरूरत नहीं होती थी मैच जीतने के लिए। लेकिन ब्रॉक को जो गुस्सा आया भाई, उसने क्या ही तोड़ा, ग्लव्स उतार दिए और रोमन की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन रोमन देखो क्या गट था इसके अंदर, मतलब खून बह रहा है, ब्लड आ रहा है, लेकिन फिर भी हंस रहा है। उसके बाद लगातार 2 जर्मन सुप्लेक्सेस और F5, और इस F5 के बाद फिर से कवर, और इस कवर के बाद भी रोमन ने किक आउट कर दिया। गट मैच फीलिंग था ये भाई साहब, पूरी तबाही ला दी थी इसने F5 इंडस्ट्री में, ब्रॉक की F5 पूरी खतरनाक हो गई थी। क्या मतलब था इस F5 का, 2 F5 लगाने के बाद भी ब्रॉक बोल रहा था भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं कि रोमन को डिफीट कर पाऊं। लेकिन रोमन थे हार नहीं मान रहे थे, ब्लड पूरा मुंह से, नाक से, कान से, सब जगह से आ रहा था, लेकिन रोमन ने हार नहीं मानी। और अब ब्रॉक को समझ नहीं आ रहा करना क्या, तो अब करना ब्रॉक को नहीं हमें है, फिलहाल हमको इसको नीचे भेजना है और नीचे फिर से एक बार हमको इसके ऊपर ग्रैप मारना है। तो नीचे भेजते हैं इसको, अरे नहीं ये तो गलत कर दिया भाई, तूने मेरे को नीचे क्यों भेजा।
रुक जा अभी, ये कहाँ जा रहा है? ओ टॉन्ट कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है। कोई बात नहीं ब्रॉक, उठ जाने दो, एक बार लेसनर उठा तो फिर तुमको बताएगा अच्छे से। लेसनर उठ चुका है और अब फिर से एक और कट सीन आने वाली है हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ पे जो रोमन ने किया था भाई वो मैच चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का माथा फोड़ चुका था यहाँ पे और अब ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से चक्कर खा रहे थे कि अब करूं क्या। रोमन ने देख लिया ये मौका है सुपरमैन पंच लगाने का। रोमन ने पहला सुपरमैन लगाया, फिर दूसरा सुपरमैन पंच लगाया जिससे ब्रॉक डाउन नहीं हुए। ब्रॉक ने कैच कर लिया सुप्लेक्स सिटी के लिए, फिर से तीसरा सुपरमैन पंच, पहला स्पीयर, दूसरा थंडरस स्पीयर और इसके बाद कवर, लेकिन उस कवर को भी ब्रॉक लेसनर ने कर दिया किक आउट। फिर से रोमन ने सुपरमैन पंच लगाने की जबरदस्त कोशिश, लेकिन ब्रॉक ने कैच किया और एक थंडरस F5 धड़ दिया रोमन के ऊपर। और इस F5 के बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हुआ और सेथ रॉलिंस आ गया भाई अपना बक्सा लेके कैश कर। सेथ रॉलिंस ने कैश इन कर दिया अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और अब हम क्या होने वाले, ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस, क्या होंगे भाई? ओके एक मिनट, हमको सेथ रॉलिंस बना दिया गया यहाँ पे, तो हमको देना है रोमन रेंस को एक पेडिग्री और उसके बाद ब्रॉक को लगाना है हेड स्टॉप। तो रोमन को जल्दी से पेडिग्री देते हैं भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको करते हुए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त को मार रहा है यार, ये गलत हो रहा है। अथॉरिटी ने क्या स्टोरी लाइन चला दी थी, तो चलो जल्दी से हेड स्टॉप देते हैं ब्रॉक लेसनर को। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट कट सीन, तो अब अगली कट सीन आने वाली है क्योंकि ब्रॉक ने कैच कर लिया था सेथ रॉलिंस को। कट सीन चालू हो चुकी है, अब ये जो एपिक मोमेंट है भाई, रोमन रेंस ने यहां धर दिया स्पीयर और सेथ रॉलिंस ने इस मौके को ताड़ लिया और लगा दिया हेड स्टॉम्प रोमन रेंस के ऊपर, जो कि जरूरत नहीं थी। रोमन को ये करने की क्या ही जरूरत थी यार, चैंपियनशिप छिन गई ब्रॉक और रोमन दोनों से, चैंपियनशिप रोमन के जगह सेथ रॉलिंस के पास चली गई। सेथ रॉलिंस तो ऐसे भागा जैसे चूहा शेर को देख के भागता है, आई मीन बिल्ली को देख के। अब सेथ रॉलिंस चैंपियन